जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों HLL लाइफ केयर लिमिटेड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज का एक इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर दोस्तों सीनियर डायलिसिस टेक्नीशियन 357 पोस्ट, डायलिसिस टेक्नीशियन 282 पोस्ट, जूनियर डायलिसिस टेक्नीशियन 264 पोस्ट और असिस्टेंट डायलिसिस टेक्नीशियन 218 पोस्ट में रिक्रूटमेंट होने वाला है। यह है दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि देखिए डेट ऊपर में दिया हुआ है, स्टार्टिंग डेट 28/8/2024 और एंडिंग डेट 7/9/2024। उसका डिटेल्स है कंपनी का, हिरोलैब के मिनी रत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होने, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ये रिक्रूटमेंट होने वाला है अक्रॉस महाराष्ट्र। इसका जो पोस्टिंग होगा वो पूरी महाराष्ट्र में होगा, इस किसी अन्य स्टेट में नहीं होगा। लेकिन आप अप्लाई कर सकते हो, अगर अदर स्टेट्स हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जॉब लोकेशन महाराष्ट्र होगा। देखिए एलिजिबिलिटी 37 ईयर, 1/8/2024 के अनुसार आपका मैक्सिमम एज लिमिट 37 ईयर, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए सीनियर डायलिसिस के लिए 357 पोस्ट है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, डिप्लोमा अथवा BSc इन मेडिकल डायलिसिस टेक्नोलॉजी अथवा रिनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी विद मिनिमम ऑफ 8 ईयर्स ऑफ रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन। मिनिमम आपको क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी मांगा है 8 साल का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दो पार्ट है और दिया हुआ है, अगर एमएससी क्या है इन मेडिकल डायलिसिस टेक्नोलॉजी अथवा रिनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी तो आपको 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए विद 6 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा है। ठीक है, उसके बाद डायलिसिस टेक्नीशियन जिसके लिए 282 पोस्ट है, इसके लिए सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल डायलिसिस टेक्नोलॉजी विद मिनिमम 7 ईयर रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए अथवा डिप्लोमा अथवा BSc इन मेडिकल डायलिसिस टेक्नोलॉजी एंड रिनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी विद मिनिमम 5 ईयर रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अथवा MSc इन मेडिकल डायलिसिस टेक्नोलॉजी रिनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी विद 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। ठीक है, सीनियर डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए डिग्री डिप्लोमा के लिए 8 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और MSc वालों के लिए 6 साल और डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर 7 साल का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अगर आपके पास मेडिकल कोर्स है, सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल डायलिसिस टेक्नोलॉजी तो आपको 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है डिप्लोमा डिग्री के लिए और MSc के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। ठीक है, और जूनियर डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए क्या मांगा है, सर्टिफिकेट मेडिकल कोर्स मेडिकल डायलिसिस टेक्नोलॉजी तो 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। ठीक है, अथवा डिग्री डिप्लोमा होने से 2 ईयर का रिलेवेंट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और MSc वालों को 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। ठीक है, और असिस्टेंट डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए क्या है, सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल डायलिसिस टेक्नोलॉजी अथवा डिप्लोमा BSc कोर्स मेडिकल डायलिसिस अथवा रिनल टेक्नोलॉजी विद मिनिमम 1 साल की पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है, अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आपका जो वॉकिंग इंटरव्यू के थ्रू आपका रिक्रूटमेंट होगा, देखिए वॉकिंग इंटरव्यू सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर की 11:30 तक, सुबह 11:30 तक आप लोगों को रिपोर्ट करना है। ठीक है, वेन्यू देख सकते हैं जो प्लेसेस है, किसी भी पोस्ट के लिए पार्टिकुलर स्पेस नहीं है, आप किसी भी प्लेस में जाके इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। देखिए बहुत सारी 2 दिन में होगा इंटरव्यू, 4 तारीख और 5 तारीख, 4 तारीख के लिए आप लोग देख लीजिए, 4 तारीख के लिए 5 जगह और 5 तारीख के लिए भी 5 जगह में होगा। ठीक है, आप लोग ऐसे वीडियो को स्टॉप करके अपनी सुविधा के हिसाब से
अपनी कंफर्ट जोन में आप चला जाइएगा अगर आप इंटरव्यू करना चाहते हैं। देखिए इसके बाद द कैंडिडेट हु आर अनेबल टू अटेंड द वर्किंग इंटरव्यू सिलेक्शन मे सेंड देयर सीवीज टू hrhincare@lifecarehll.com। इस ईमेल एड्रेस पर आपका सीवी, आपका जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सब कुछ है, वो भेजने के लिए बोला है। हो सकता है, डियर फ्रेंड्स माफ़ कीजिएगा, मेरे दोस्त का फ़ोन आ गया था। तो आप लोगों को सीवी भेजने के लिए, जो लोग वॉकिंग इंटरव्यू में अटेंड नहीं कर पाएंगे, तो आप लोगों को बोला है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है सीवी है वो आप लोगों को भेजने के लिए बोला है इस ईमेल पे। हो सकता है कि आपका क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस देखते हुए आपका सिलेक्शन हो जाए बिना वॉकिंग इंटरव्यू की, ठीक है ना। एक्सपीरियंस होल्डर भी चाहिए होता है कभी कभी, तो इसीलिए दोस्तों एक्सपीरियंस लिख दीजिएगा अगर आप जब सीवी भेजेंगे, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा तो दे दीजिएगा। ये सब आपका सैलरी देख सकते हैं, डायलिसिस टेक्नीशियन को ग्रोस मिलेगा 24,000, असिस्टेंट डायलिसिस टेक्नीशियन को मिलेगा 24,219 रुपया ग्रोस टोटल, जूनियर डायलिसिस टेक्नीशियन को मिलेगा 29,808, डायलिसिस टेक्नीशियन को मिलेगा 35,397, सीनियर डायलिसिस टेक्नीशियन को मिलेगा 53,096 रुपया, ठीक है। ऐसे देखिए दोस्तों दो पोस्ट और भी है, वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉर नेफ्रोलॉजिस्ट एंड मेडिकल ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अक्रॉस महाराष्ट्र। ये भी महाराष्ट्र में पोस्टिंग होगा। नेफ्रोलॉजिस्ट के लिए टोटल कितना वैकेंसी नहीं बोला गया है, मेडिकल ऑफिसर के लिए कितना वैकेंसी नहीं बोला गया है, लेकिन क्वालिफिकेशन दिया गया है। नेफ्रोलॉजिस्ट के लिए DM अथवा DNB इन नेफ्रोलॉजी, ये नहीं है अगर ये नहीं है, अगर आपने MD विद स्पेशल ट्रेनिंग इन नेफ्रोलॉजी ऑफ एटलीस्ट टू ईयर विद मिनिमम सिक्स मंथ एक्सपीरियंस, मतलब दो साल का MD, दो साल का ट्रेनिंग इन नेफ्रोलॉजी और 6 मंथ एक्सपीरियंस इन ए रेप्यूटेड डायलिसिस सेंटर, किसी भी रेप्यूटेड डायलिसिस सेंटर में आपने अगर 6 महीना एक्सपीरियंस लिया है आपका ये ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद या फिर डिग्री कंप्लीट होने के बाद नेफ्रोलॉजी में, तो एलिजिबल हो। मेडिकल ऑफिसर MBBS विद मिनिमम 6 मंथ एक्सपीरियंस इन डायलिसिस। आप लोगों को क्या बोला गया है, दोस फिलिंग अप द क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्राइटेरिया मे फॉरवर्ड देयर CV, ये जो ईमेल एड्रेस दिया गया है आप लोगों को यहाँ पर 7 सितंबर 2024 से पहले आप लोगों को साइन कर लिए के लिए बोला गया है, आप लोगों के लिए इंटरव्यू नहीं बोला गया है, ठीक है। जनरल कंडीशन आप लोग ऐसे देख लीजिए क्या क्या है, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है वो आप लोगों के लिए आप लोग ऐसे देख लीजिएगा क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, वीडियो को स्टॉप करके। और यहाँ पर आप लोगों के लिए वेबसाइट दिया गया है, देख सकते हैं, ठीक है। इतना ही है नोटिफिकेशन और नहीं है, इतना पेज का ही है, ठीक है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ये लिंक आप लोगों के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल है नोटिफिकेशन का, आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। और वॉकिंग इंटरव्यू में जाना है विद एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, एप्लीकेशन फॉर्म देखिए यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन की 2nd पॉइंट में बोला है एप्लीकेशन फॉर्मेट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट। आप लोगों को वेबसाइट से, इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये www.lifecarehll.com/career, यहाँ पर जाके आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा। कोई भी फॉर्मेट आप लोग सेंड नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ से डाउनलोड करके आप लोग फिलअप करके अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ वॉकिंग इंटरव्यू पे चले जाएंगे अपने अपने डेट्स पे। थैंक यू।